I'm based your English teacher. Today we will learn English of class second, chapter 9, poem Jew Manners. Means Chiriya Acharan. Now we will read the poem. Now we will read the poem. First of all, I will read this poem. So listen carefully. Be careful what you say or do. When you visit when you visit the animals at the zoo, don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo and the poet name is ellen matthews Now I am explaining you. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Means आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जो भी आप बोलते हैं और करते हैं बी केयरफुल वट यू से और डू मीन्स आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जो भी आप बोलते हैं और करते हैं वैन यू विज़िट द एनिमल्स एट द ज़ू जब आप जाते हैं एक जू में जहाँ पर एनिमल्स होते हैं ज़ू का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है ओके बी केयरफुल वट यू से और डू वैन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू आपको बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए जो भी आप बोलते हैं और करते हैं जब आप जाते हैं एक जू में जहां पर एनिमल्स होते हैं जू का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है ओके डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प डोंट मेक फन आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो कैमल के पीठ के ऊपर जो ऊंचा सा उठा होता है उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प उसका आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए वो बहुत ही गर्व करता है उस पर जो उसके कमर के ऊपर ऊंचा सा भाग या पार्ट निकला हुआ होता है वो उस पर क्या करता है बहुत ज्यादा गर्व करता है बम्प मीन्स जहां पे मोटा मोटा सा हो जाता है उसको बोलते हैं बम्प डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम ही इज वेरी प्राउड ऑफ़ हिज नोबल पम्प आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो कैबल के पीठ के ऊपर जो ऊंचा सा उठा होता है उसको क्या कहते हैं हम बोलते हैं उसका आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए वो बहुत ही गर्व करता है उस पर जो उसके कमर के ऊपर ऊंचा सा जो भाग या पार्ट निकला हुआ होता है उस पर वो क्या करता है बहुत ज़्यादा गर्व करता है बम मीन्स क्या होता है कहीं पे जहाँ पे मोटा मोटा सा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं बम्प डोंट लाफ टू मच ऐट द चिम्पें जी ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी आप हसीएगा मच चिम्पैन जी पर वो सोचता है कि वो उतना ही होशियार है जैसे आप और मैं ओके डोंट लाव टू मच एट द चिम्पें जी ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी ओके okay, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप हंसेगा मत चिमपैंच पर वो सोचता है कि वो उतना ही होशियार है जैसे आप और मैं एंड द द अराउंड लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक और जो पेंगुइन होते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं वो सब कुछ समझ रहे होते हैं जो भी आप उनके बारे में बोल रहे होते हैं ओके okay? and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. और जो penguin होते हैं वो क्या करते हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं वो सबको समझ रहे होते हैं जो भी आप उनके बारे में बोल रहे होते हैं Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. तो आप उनके साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे कि की आप उनके साथ करते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा जू में जाने के लिए उत्सुक रहेंगे और वो भी आपका स्वागत करेंगे सो ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू तो आप उनके साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे कि वो आपके साथ करते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा जू में जाने के लिए उत्सुक रहेंगे और वो भी आपका स्वागत करेंगे ओके स्टूडेंट्स आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस पोयम सो रीड दिस पोयम एंड लर्न इट थैंक यू